तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता जैसे। Hey everyone, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज काफी टाइम के बाद हम लोग वापस एक वीडियो लेकर चैनल पे आए हैं, तो हमने सोचा क्योंकि काफी टाइम हो गया है तो क्यों ना हम मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक पर ही वीडियो लेकर आए। तो अगर आप वही सोच रहे हैं जो मैं बताने वाली हूँ, तो हाँ, आज की वीडियो है एक ऐसे AI के ऊपर जो कि आपकी आवाज़ में कवर जनरेट कर सकता है, यानी कि आपकी आवाज़ में कोई भी गाना जनरेट कर सकता है। अब मैं एक डिस्क्लेमर अभी ही दे देती हूँ वीडियो के बिगिनिंग में कि प्लीज़ आप इस जो भी AI है इसका यूज़ किसी की आवाज़ का मिसयूज़ करने के लिए मत कीजिएगा। मैं सिर्फ सिंगिंग के पर्पज़ से बता रही हूँ क्योंकि हम लोग सब आर्टिस्ट हैं, और इफ़ ज़रूरत पड़ती है आपको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप किसी की आवाज़ को इमिटेट करने के लिए या किसी की आवाज़ में कुछ बुलवाने के लिए इसका यूज़ ना करें। लेट अस स्टार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना है डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन। तो अगर आपने पुराने वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा डिस्कॉर्ड ऐप क्या है। तो डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको आपकी ID बनानी है, उसके बाद आपको अच्छे से ईमेल एड्रेस वगैरह वेरीफाई कर लेना है। सारे प्रोसीजर कर लेने के बाद आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है उस लिंक से इस सर्वर को ज्वाइन कर लेना है। ये एक ऐसा सर्वर है, इट्स लाइक अ व्हाट्सएप ग्रुप, एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह ही होता है अगर आपको डिस्कॉर्ड के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो आप इस सर्वर को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप इस सर्वर पर ज्वाइन पर क्लिक करोगे लिंक पर क्लिक करके, तो यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा सा पेज खुल जाएगा जो कि मेरे मोबाइल पे आपको अभी दिख रहा है। यहाँ पे एक चैनल खुला हुआ है जिसका नाम है वेरीफाई। यहाँ पे मुझे वो बोल रहे हैं कि वेलकम टू एस्ट्रा लैब्स सर्वर, जो कि हमारा सर्वर नहीं है, बॉट जिनका है उनका सर्वर है। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, इस टिक वाले मैसेज पर रिएक्ट करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये बोलेगा बिफोर यू कैन टॉक इन एस्ट्रा लैब्स आपको आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। अगर आपने नहीं कर रखा होगा तो यहाँ पे क्रॉस आएगा, और अगर मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मेरे टिक आ रहा है। फिर उसके बाद आपको ये सारे रूल्स रीड करने हैं सर्वर के, ताकि आप इस सर्वर में कोई भी ऐसी गलत हरकत ना करो कि वो आपको लात मार के बाहर निकाल दे। तो क्योंकि ये हमारा सर्वर नहीं है इसलिए बता रही हूँ। फिर आपको इस पर टिक कर देना है कि मैंने सारे रूल्स पढ़ लिए, और फिर आपको करना है कम्प्लीट। फिर उसके बाद आपको एक बार फिर से इस पर टिक करना पड़ सकता है इस रिएक्शन के ऊपर। जब ये ब्लू लाइन इसके अराउंड आ जाए समझ जाना कि आपका टिक हो गया है। उसके बाद आपको सारे चैनल दिखने लग जाएंगे जैसे ही आप इसको राइट की तरह स्वाइप करते हो। तो ये जो सारे चैनल आपको दिख रहे हैं इतने ही चैनल है सर्वर के अंदर। आप नीचे स्क्रोल करोगे तो आपको एक चैनल दिखेगा जिसका नाम है ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग चैनल को आपको खोलना है। यहाँ पर जाके आपको असली काम करना है। यहाँ पर आप लिखोगे कमांड्स, वही कमांड्स के थ्रू आप अपना मॉडल रजिस्टर कर सकते हो। जैसे अगर आपने कोई बड़े बड़े वीडियोस देखे होंगे तो उसमें होता है कि RVC मॉडल रजिस्टर करना होता है, तो RVC मॉडल की तरह ऐसे एक ये मॉडल आपका जनरेट कर देगा, और फिर वो मॉडल आप रजिस्टर करवा सकते हो इन्हीं के डेटाबेस में। फिर उस मॉडल को आप कवर जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसा कि हमने पुरानी वीडियो में बताया था। तो पहले आपको ये वाली वीडियो देखनी है, फिर उसके बाद आपको वो वाली वीडियो देखनी है। तो लेट अस स्टार्ट कि आपको क्या कमांड्स लिखने हैं और कैसे लिखने हैं और उससे क्या होगा। अब मॉडल ट्रेन करने से पहले आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि मॉडल ट्रेन करने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है एक ऐसी फाइल की, यानी कि एक ऐसे ऑडियो की जिसमें आपने गा रखा हो अपनी आवाज़ में, यानी कि जिसकी भी आवाज़ में आपको कवर जनरेट करना है उसकी आवाज़ में आपने कुछ गा रखा हो। जैसे अगर आप किसी हिंदी सॉन्ग में, मतलब किसी हिंदी कवर जनरेट करवाना चाह रहे हो, तो आप ऐसी फाइल यूज़ करो जिसमें आपने हिंदी में गा रखा हो और आपने हर तरह की स्केल में गा रखा हो, जैसे आपने ऊंचे सुर भी गा रखे हो, नीचे सुर भी गा रखे हो, ऐसे करके। तो आप एक ऐसी फाइल इसमें यूज़ करो। अब फाइल की लेंथ कुछ भी हो सकती है, आप 1 मिनट का गाना अपलोड कर सकते हो, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का, इससे ज़्यादा की अभी इनके पास लिमिट नहीं है। तो इतना आप अपलोड कर सकते हो अपनी फाइल की ड्यूरेशन। इसमें आपको गाया हुआ ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोल रहे हो और आप उसको अपलोड कर रहे हो, क्योंकि इनका जो मॉडल है वो गाए हुए को ही एनालाइज करता है, बोले हुए से वो इतना अच्छा नहीं बना पाता है। तो अगर आप गाए हुए से कर रहे हैं तो ही यूज़ करें, और बोले हुए से यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसका कुछ गलत ही यूज़ कर रहे हो, क्योंकि बोले हुए से कोई क्यों ही यूज़ करेगा अगर उसको गाने के लिए यूज़ करना है।
तो प्लीज़ आप इस मॉडल का गलत यूज़ ना करें, सही यूज़ करें। तो अब मॉडल ट्रेन करने के लिए आपको क्या लिखना है वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है /train। तो जैसे ही आप ट्रेन लिखोगे तो आपके पास सबसे टॉप पे एक कमांड आ जाएगा /train करके, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेम में आपको आपके मॉडल का नाम लिखना है, जो भी नाम आपको आसान लगे, जो कि आप हमेशा याद रख सको, जिससे आप बाद में ढूंढ भी सको अपने मॉडल को। उसके बाद सैम्पल रेट आपको क्या रखनी है, सैम्पल रेट डिपेंड करती है कि आपने आपकी जो अभी फ़ाइल अपलोड करी है वो MP3 फॉर्मेट में है, वो वेव में है, फ्लैक में है, कौन से फॉर्मेट में है। आप इसे गूगल कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर वीडियो में मैं अच्छे से एक टेबल बनाकर दिखा दूँगी जिसमें सब कुछ लिखा होगा कि आपको सैम्पल रेट कौन सी चूज़ करनी है, कौन से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद epoch का क्या मतलब होता है, तो epoch के लिए भी आपको वीडियो के बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर साइड में दिख जाएगा कि क्या मतलब होता है epoch का और कैसे उसे यूज़ करना है। तो epoch का एक सिंपल सा मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ। इसका मतलब ये है कि उसे कितनी बार उस मॉडल को प्रैक्टिस करना है, उस मॉडल को जो भी आपने फाइल दी है उसको कितनी बार ट्राई कर करके ट्रेन कराना है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा epoch रखते हो उतना अच्छा होता है, उतनी बार वो उस मॉडल को ट्रेन कराता है। तो सपोज़ अगर आपकी ऑडियो 3 से लेके 5 मिनट के बीच की है तो आप epoch रख सकते हो 40 से लेके 60 के बीच। अगर आपकी ऑडियो 1 से लेके 3 मिनट के बीच है तो आप 60 से लेके 100 तक की epoch रख सकते हो। अगर आपकी ऑडियो और छोटी है, यानी कि उससे भी कम लेंथ की, यानी कि मान लो 1 मिनट से भी कम लेंथ की, तो आप और ज़्यादा epoch भी रख सकते हो। तो epoch का यही सेटिंग्स होता है, मैं इस जो आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा साथ में इन अ टेबल फॉर्मेट। फिर उसके बाद फाइल का ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको आपकी फाइल सिलेक्ट कर लेनी है जिसमें भी आपने आपके वोकल रिकॉर्ड किए। एक और चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपकी ऑडियो की लेंथ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 मिनट से कम ही होनी चाहिए, यानी कि 4 मिनट 59 सेकेंड समथिंग कुछ, उससे कम ही चलना है आपको। अगर ज़्यादा होती है तो फिर वो नहीं हो पाएगा और फिर आप लोग कमेंट्स करेंगे कि भाई मेरा एरर आ रहा है, मेरे इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा वैसा। सो इसीलिए 5 मिनट से कम होनी चाहिए आपकी फ़ाइल की ड्यूरेशन। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो और ये कुछ ऐसा दिखता है जिसमें कोई रेड अंडरलाइन या कुछ भी नहीं है, तो फिर आप इस मैसेज को कर सकते हो सेंड। जैसे आप सेंड कर दोगे तो आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। अब वो थोड़ी देर कितनी भी देर हो सकती है क्योंकि ये मॉडल ट्रेन होगा। अब जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे ही आपका मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो आपके पास आपके DMs में, यानी कि आपके पर्सनल मैसेज में एक लिंक आ जाएगी। वो बोलेगा कि इस लिंक को आप कॉपी करके रजिस्टर करा लो। तो आपको क्या करना है, उस पूरे मैसेज को कॉपी करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, और इसमें से आपको बाकी सारी चीज़ें रिमूव करके बस उस लिंक को रख लेना है, यानी कि https://.zip तक इसको आपको कर लेना है कॉपी, और इसको लेके चलना है आपको वापस से हमारे सर्वर के अंदर, यानी कि एस्ट्रा लैब्स वाले सर्वर के अंदर। यहाँ पे आपको जाना है बॉट वाले चैनल में और यहाँ पे लिखना है आपको /register। रजिस्टर कमांड आपको टॉप पे दिख जाएगा। नाम आपको वापस से वही लिखना है जो आपने पहले अपने मॉडल को दिया था। मॉडल URL में आपको सिलेक्ट कर लेना है URL जो कि अभी आपने कॉपी किया है, वही URL आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि जो आपने अभी मॉडल बनाया, जो जनरेट किया, वो इस स्टोरेज के अंदर, इस डेटाबेस के अंदर जो इनने बना रखा है इनके बॉट के लिए, इनके AI के लिए, उसमें सेव हो जाएगा। जैसे ही ये सेव हो जाएगा आपके पास आपके DMs में कुछ एक ऐसा मैसेज आ जाएगा कि आपका मॉडल रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली और अब आप उसको यूज़ कर सकते हो फर्दर किसी भी कवर को जनरेट करने के लिए। अब आपको सिंपली जो कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था वैसे ही आपको लिखना है /cover। आप कवर फाइल भी लिख सकते हो, कवर वगैरह जो भी लिख सकते हो। कवर वाला कमांड कभी कभी नहीं चलता है क्योंकि वो यूट्यूब से आप लिंक कॉपी पेस्ट करते हो तो YouTube से कभी कभी एरर्स आ जाते हैं, बग्स आ जाते हैं, तो वो वाला कमांड वो लोग का थोड़ा बगी हो जाता है, सही से चलता नहीं है। तो आप कवर फाइल वाला प्रेफर करो, फाइल डाउनलोड करके और फिर आप रन किया करो। तो इसके अंदर आपको वही सेटिंग्स करनी है जो हम पहले पुरानी वीडियो में करते थे और बस उसके बाद आपका कवर जनरेट हो जाएगा जैसे पहले हो जाया करता था। अब हम देख लेते हैं कि मैंने जो मॉडल रजिस्टर किया था उससे मैंने जो कवर जनरेट किया अनमोल की वॉइस में वो कैसा जनरेट हुआ है। तो मैंने 2-3 कवर जनरेट किए,
तो वो किस तरह के जनरेट हुए हैं उसे देख लेते हैं। तो मैं पहले ही बता देती हूँ, बाद में नहीं बताऊँगी क्योंकि तब तक आप शायद ना रुको वीडियो में। तो कवर जो ये बॉट है जिस तरीके से वर्क करता है मैंने देखा, तो इसमें जो सिंगिंग स्टाइल है वो अभी भी ओरिजिनल सिंगर जैसा ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिर्फ आवाज़ कॉपी कर रहा है। स्टाइल जो है वो आपका कभी भी कॉपी नहीं कर सकता है। तो स्टाइल जो है वो अरिजीत सिंह या जिसका भी गाना है, दर्शन रावल, उसके जैसा ही रहेगा। बस आवाज़ वो आपकी उठा लेता है। अब वो आप कितने अच्छे से उसे ट्रेन करा रहे हो, आप कितना अच्छा रिकॉर्ड करके दे रहे हो उसे, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कवर कितना अच्छा जनरेट होगा। तो फिर से एक और डिस्क्लेमर कि इसका कोई गलत यूज़ ना करें प्लीज़, इसको सिर्फ सिंगिंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ करें। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया है कि आपने कवर कैसे जनरेट किया। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप वो पुरानी वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है, मतलब मैंने नहीं, अनमोल ने अच्छे से समझा रखा है। और जैसे कि हमारे सर्वर में काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे, तो उसको भी एड्रेस करते हुए मैं बता रही हूँ कि क्योंकि ये बॉट इतने सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं एट द सेम टाइम, वीडियो 50-60 हज़ार लोगों ने देखी एंड इतने सारे लोग एक साथ कमांड रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, और फिर इतनी लंबी क्यू लग जा रही है 20 लोगों की 40 लोगों की, कभी कभी तो 100 लोगों की, तो ऑब्वियसली कुछ घंटे लग जाते हैं उस बॉट को टास्क पूरा करने में और फिर आपके DMs में सेंड करने में। कभी कभी सर्वर पे लोड बढ़ जाता है और सर्वर डाउन हो जाता है और फिर इश्यूज आने लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है यार कि आप लोग हमें गाली देकर चले जाओ, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, ना ही बॉट हमारा है, ना ही हमने कुछ गलती की है। सो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा केयरफुल रहें, बॉट को सही तरीके से यूज़ करें, उसे अच्छे से यूज़ करना सीखें एंड अप्रिशिएट कि आप उसे यूज़ कर पा रहे हैं फॉर फ्री। या पता आप लोग इस तरीके से बिहेव करें तो वो लोग उसे पेड कर दें, तो प्लीज़ बी पेशेंट एंड बॉट ऐसे ही अभी ट्रेनिंग में भी इम्प्रूवमेंट आएंगे, जो ट्रेनिंग बॉट अभी मैंने आपको बताया उसके बारे में। सो अगर आपके कोई सजेशंस है तो फील फ्री टू शेयर देम इन दी कमेंट्स, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आपके पास कोई सजेशंस है। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिसको आपको समझना है या जो आप समझ नहीं पा रहे हो, आपने काफ़ी सारी वीडियोस देख ली, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, वी विल लुक इनटू इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।